क्या सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बन जाएंगे बीजेपी से राज्यसभा सांसद? एक फोटो पे क्यों मचा बवाल? पीएम मोदी अचानक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के घर क्यों गए? क्या संविधान इसकी इजाजत कभी नहीं देता? मनमोहन सिंह की सरकार में होती थी इफ्तार पार्टी, मोदी को बनाया मेहमान तो मिलोट को ही बना दिया आरोपी। राहुल गांधी भारत के दुश्मनों के साथ फोटो खिंचवाते तब लोकतंत्र खतरे में नहीं आता। अगर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के घर पे पीएम मोदी चले जाते हैं तो देश का लोकतंत्र खतरे में आ जाता है। क्या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को राज्यसभा भेजने की तैयारी है? क्या नरेंद्र मोदी और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के बीच कोई डील हो गई है? ऐसे कई आरोप सोशल मीडिया पे तैरने लगे। सुनिए पूरी इनसाइड स्टोरी। मोदी के हाथों में थाली का मतलब क्या है? क्या देश में यूसीसी लागू होने वाला है? क्या सुप्रीम कोर्ट सरकार के पक्ष में कोई फैसला सुनाने जा रही है? क्या इस मुलाकात की कोई आवश्यकता थी? गणेश चतुर्थी के मौके पे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ के घर पहुंचे और इस दौरान सीजीआई चंद्रचूड़ और उनकी पत्नी ने प्रधानमंत्री का स्वागत किया। बाद में सबने हाथों में पूजा की थाल लेकर गणेश भगवान की पूजा अर्चना की। ये दृश्य सामान्य हिंदू के लिए अभिभूत करने वाला था। हिंदू धर्म को नापसंद करने वाले लोग इस वीडियो को देखकर तड़प गए। हालांकि कई राजनेता जो हिंदू हैं उन्हें भी ये वीडियो पसंद नहीं आया। यानी एक पक्ष को ऐसा पीएम चाहिए जो इफ्तार में जाए लेकिन हाथों में पूजा की थाल ना ले। पीएम मोदी और मुख्य न्यायाधीश को धर्म पूजा पाठ का अधिकार हमारा संविधान देता है, लेकिन लिबरल गैंग को लगा पीएम के साथ सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश क्यों पूजा कर रहे हैं। अब हम ऐसे लोगों की आंखें खोल देते हैं। वक्त आ गया है कुछ बताने का। ये है मनमोहन सिंह, देश के पूर्व प्रधानमंत्री, जो इफ्तार पार्टी में जाते। राहुल गांधी, उनकी पूरी कांग्रेस इफ्तार पार्टी में खुश रहती है, लेकिन पीएम मोदी के साथ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने पूजा क्या कर ली, सबकी आत्मा तड़प गई। लेकिन क्यों? लेकिन आप हैरान होंगे कि जिस इफ्तार में मनमोहन सिंह जाते थे उसी इफ्तार की पार्टी में वो उस वक्त के तत्कालीन सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को भी बुलाते हैं। 2018 में पीएम मोदी सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं, वहां अचानक तत्कालीन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से मुलाकात होती है। रंजन गोगोई उस वक्त के मुख्य न्यायाधीश थे। इसके कुछ महीने बाद ही राम मंदिर का ऐतिहासिक फैसला भी रंजन गोगोई ने ही सुनाया था। कांग्रेस के कई नेताओं ने दबी जुबान आरोप लगाया कि भारत में सुप्रीम कोर्ट पर नरेंद्र मोदी का सिक्का चलता है, जो बिल्कुल भी देश के लोकतंत्र के लिए सही नहीं है। इस मुलाकात के बाद भी ऐसा कहा जा रहा है कि चंद्रचूड़ जाते जाते सरकार के पक्ष में कोई फैसला देंगे, फिर राज्यसभा का टिकट लेंगे। ठीक ऐसे ही रंजन गोगोई के साथ भी हुआ था। उनका कार्यकाल पूरा होते ही सरकार ने राज्यसभा भेज दिया। वो फिलहाल बीजेपी के राज्यसभा सांसद हैं। लेकिन ये सवाल सिर्फ कांग्रेस कैसे पूछ सकती है? सच्चाई ये है कि कांग्रेस ने ही राज्यपाल और राज्यसभा भेजने की परंपरा शुरू की थी, लेकिन अब बीजेपी इस खेल को खेलने लगी है तो कांग्रेस इस पे सवाल पूछने लगी। जबकि इस मुलाकात के पीछे का सच बहुत हैरान कर देने वाला है। देश में ऐसा माहौल बना है कि सुप्रीम कोर्ट मोदी सरकार के खिलाफ काम कर रही है। देश में दूसरा माहौल ऐसा है कि लोग मानने लगे हैं कि सुप्रीम कोर्ट सरकार विरोधी है, जबकि सच ये है कि दोनों किसी के विरोधी नहीं है, दोनों अपनी जगहों पे योग्य लोग बैठे हैं। न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका, तीन तरह का सिस्टम हमारे देश में बनाया गया है, जिसका मतलब है कि तीनों में तालमेल होना चाहिए। वक्त वक्त पर अगर ऐसी मुलाकात हो तो उसे लोकतंत्र के स्वास्थ्य के लिए ठीक कहा जाता है। कहानी ये है कि कुछ लोग देश को कमजोर समझ रहे हैं, वो लोग विदेशी हैं, लेकिन उनके साथ कुछ हमारे हिंदुस्तान के नेता भी मिले हो सकते हैं। कई देश लगे हैं कि भारत को तोड़ा जाए। सरकार और सुप्रीम कोर्ट ने एक साथ फोटो खिंचवाकर साफ कर दिया है कि हिंदुस्तान का सिस्टम एक ही है, लेकिन जब भी राष्ट्र की बात होगी तो फिर सब एक हो जाएंगे। देश के हालात क्या हैं, इसका फायदा ना तो पाकिस्तान को मिलेगा ना ही बांग्लादेश को मिल सकता है। दुनिया में कई देश हैं जो खुद का वर्चस्व बनाए रखने के लिए भारत में बड़ी साजिश रच रहे हैं। ऐसे लोगों के मुंह पर करारा तमाचा है, इसीलिए बकायदा डीवाई चंद्रचूड़ के घर पे पूजा रखी गई। पीएम मोदी जाते हैं, पति पत्नी के बीच मोदी को खड़ा किया जाता है। बताया जाता है कि यहां आस्था भी एक है, देश भी एक है, राष्ट्र की बात आएगी तो सिस्टम भी एक है। ये कांग्रेस के उस सोशल मीडिया का जवाब है जिसमें कांग्रेस ने कहा था सरकार तुम्हारी है, सिस्टम हमारा है। कांग्रेस ने जब से ये फोटो देखी है तब से सिस्टम हिल गया है। अब बताइए किसकी सरकार, किसका सिस्टम? जिसकी सरकार उसी का सिस्टम।